आपको तजावीज दी है आज मरियम नवाज शरीफ साहब ने, पेट्रोल बॉम्ब ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, तो वो कहते हैं यानी वो कहेंगी इलेक्शन कमीशन को दे दो इनको। हाँ हाँ, तो आपको उनकी टोन और टेनर से समझ नहीं आई है कि वो ही कंट्रोल कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कंट्रोल कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जिले सुभानी मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जो लंदन से जिस अंदाज से हमारे एम्बेसडर ने वहां रेड कार्पेट के जरिए पाकिस्तान भिजवाया, एक मफरूर, एक सजा याफ्ता मुजरिम को जिसको उसने गिरफ्तार करके डिपोर्ट करना था हमारे कोर्ट के वारंट के ताबे, उसको भेजा गया। और फिर हमारी बायोमेट्रिक माशाल्लाह मशीनें उनके लिए लाहौर अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे चल के जाती हैं और अदालतें उनकी मुंतजर हैं कि आइए और एक एक करके हम किस तरह उनको बरी करते हैं। तो फिर आज भी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन इतनी बायस्ड है कि कमीशन खुद चल के जाती है, दुनिया के कहीं मुल्क में तारीख में नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा जेल में चल के जाए मोहतरम इमरान खान साहब को जो है फर्द जुर्म लगाने के लिए, तोहीन है अपनी तोहीन, अदालत तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तोहीन के लिए वो जेल में जाते हैं और वहां जाके हर हफ्ते और हमें जो है अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ता है क्योंकि जेल में कोई आसान नहीं होता है जाना। और इसी तरह आप देखें फिर जब उनकी कंप्लेंट करके मोहतरम इमरान खान को सजा करवाई 3 साल दिलावर महमूद ने, तो वो भी बुलडोज किया गया जो मुअत्तल की गई सजा, और अभी भी उसकी अपील कर रखी है, और नवाज शरीफ साहब ही का वकील जो उनका वकील दिफा का वकील है जो उनकी अपीलें लड़ रहा है वही वकील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्राइवेट वकील रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब मौजूदा वो उसके ऑथर जज हैं, उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट वकील कोई हकूमती इदारा नहीं रख सकता क्योंकि ये जो है बोझ है खजाने पर और अवाम के टैक्सों पर डाका है। तो लेकिन इसके बावजूद वही आते हैं, और फिर अब उससे तुर्रा ये है कि हमसे इन्होंने हमारा सिंबल छीना, और सिंबल दरअसल हमसे नहीं छीना, ये 25 करोड़ अवाम के जो हक रायदेही के इस्तेहकाक को उन्होंने मजरूह करके उनकी जो है लिमिट कर दी है चॉइस को, तो ये 25 करोड़ अवाम के हकूक पर डाका मारा गया है। सो ये इस हद तक बायस्ड जो है। मेहर, आपने ये तो बड़ा आराम से सुना दिया मुझे जो फैसले जात फरमा रहे थे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, पहले तो मुझे खोसा साहब ये बताइए, थर्ड है ये मुझे 13 बंदे, एक सेकंड, 13 बंदे माफ कीजिएगा, ये 14 बंदे जिनको आप साबित ना कर सके कि आपकी जमात से मुंसलिक नहीं थे, बंदों पर हावी होंगे। सर मैं आती हूँ इस पे, मगर पहले तो मुझे ये फरमाए दीजिएगा, आज आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी दरख्वास्त विदड्रॉ कर ली है, बड़ा सख्त मुकालमा हुआ है आपका चीफ जस्टिस साहब से अंदर, उन्होंने तो आपको इस हद तक कह दिया कि इदारों को तबाह करना बंद कर दीजिए। जी मैंने भी कहा उन्हें कि आपने जमहूरियत तबाह करके रख दी है और आपने आईन की बर्बाद करके रख दी है, आपने 25 करोड़ अवाम का डाटा सर, आपने आज जस्टिस काजी फैज ईसा पर अदम एतमाद किया या फिर अदम एतमाद उस फैसले की हद तक किया है कि जो हफ्ते की शाम आया है रात, दोनों चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, दोनों चीजें एक दूसरे से मुंसलिक हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का अपना जाती भी परखाश उसमें मौजूद है क्योंकि इमरान खान ने उनकी हटाने के लिए, रिमूवल के लिए रेफरेंस की थी उनको, तो वैसे इस केस से और मोहतरम इमरान खान के केस सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस हद तक नाला हैं कि आपकी बीवी और बच्चे जो है बेंचों पर बैठते हैं और इतना साल हा साल आप जो है, फिर आप एतराज उठा देते ना, आप उनके सामने दलाइल क्यों देते रहते, आप 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होते रहे, दलाइल देते रहे, आप एतराज उठा देते इस हवाले से, तो जस्टिस एजाज उल अहसन का भी फैसला मौजूद है, आपने तो day 1 से एतराज नहीं किया, तो अब पछतावत क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखे महर, हमें इतना अंदाजा नहीं होता कि एक जज बन के फिर भी अपने दिल के अंदर कोई ऐसी कुदूरत रखेगा, हम समझते हैं क्योंकि हम अदारों को तबाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अदारे अगर खुद अपने आप को तबाह करना चाहते हैं तो फिर उसका मुझे बताएं क्या इलाज है। मैंने एक बात जो की है,
अगर बता दें कि वो गलत है तो आप मुझे बिल्कुल कहें कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। मगर सर इसका तो मतलब है कि आपके हक में फैसला हो तो ठीक है। चीफ जस्टिस ने आपकी अपील्स भी लगाई, पहले भी आपने देखा उन्होंने कहा कि इलेक्शन डेट आप लोगों ने खुद ली है, आपके कहने पे उन्होंने इलेक्शन डेट उन्होंने एक्सेप्ट की और बार बार आपके केसेस भी सुने, आप लोगों को रिलीफ भी मिला। तो इस पॉइंट के ऊपर ये अखज कर लिया जाए कि तहरीक इंसाफ अब किसी रिलीफ की उम्मीद नहीं रखती सुप्रीम कोर्ट से? नहीं देखिए, हम तो अदालतों में जाएंगे, हम तो फिर अदालतों में जाएंगे और उनको पावर करवाएंगे कि आईनी ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर वो अपना देखें जज जी, ये इंसाफ का मनसब जो है ये अल्लाह ताला का तफवीज शुदा अख्तियार है, तफवीज शुदा अख्तियार है, और अल्लाह ताला ने उस 3 कैटेगरीज अहादीस भी आई है, 3 में से 2 लोग जो है जज वो दोजख में जाएंगे, एक वो जो नाअहली की वजह से फैसला गलत करेगा और एक वो जो किसी गैर यानी किसी के दबाव या किसी बुग़्ज़ या किसी जाति इनाद की बिना पर फैसला करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। एक ही सिर्फ जो है जज वो जन्नत में जाएगा जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के बिला तशखीस और इम्तियाज जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसला करेगा। हम तो बावर करवाते हैं। जस्टिस साहब ने आपके शिकवों के हवाले से भी आज कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता रहा आप लोगों को कि पार्टी इंतखाबात करा लीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं कराए। फिर ये भी दीगर बार बार आपसे दस्तावेज और सबूत भी मांगे जाते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको 9 घंटे सुन लो जरा, मैं सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसी तरह सारे इलेक्शन होते हैं। मैंने एक जो है आप इस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल सिटिंग है आज जावेद बैंस, इस वक्त भी मौजूद है, उसको हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। हमने जो है इलेक्शन के लिए सूबाई उसको एक खतूत लिखे कि फला तारीख तक आप कागजात नामजदगी भेजिएगा, और सारे सूबों एक ही जो है कागज नामजदगी आया, बिलावल भुट्टो जरदारी का चेयरमैन वो बिला मुकाबला हो गया, एक ही कागज नामजदगी आया सेक्रेटरी जनरल लतीफ खोसा का वो बिला मुकाबला बन गया, एक ही कागजात नामजदगी आया कमर जमान कायरा का वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बन गया मेरे नीचे, और एक ही ट्रेजरी खजाने का आया अमजद हुसैन वो ट्रेजरर बन गया, और उसी वक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज का एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उसने तस्दीक की कि कोई वक्त गुजरने के बाद कोई कागजात नामजदगी और नहीं आए हैं, लिहाजा उसने स्टैंप लगाई और कहा ये बिला मुकाबला बन गए, और मैंने जाके इलेक्शन कमीशन ने उसको जमा करवा दिया। वो हम 4 साल 5 साल तक सेक्रेटरी जनरल भी रहा, आपको चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके पास दीगर पार्टी के हवाले से आप सारे ले आइए दरख्वास्त, मेहर आप सारे निकलवा लें, आप सारी पार्टियों के निकलवा लें। नवाज शरीफ के मुकाबले में कभी किसी ने कागजात नामजदगी दिए? मरियम बीबी के मुकाबला में कभी किसी ने कागजात नामजदगी दिए? शहबाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं? हमजा शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए? ये पीपल्स पार्टी पीटीआई पर ही नजला ये क्यों गिरेगा? चले, भी ये बात आपकी दुरुस्त है कि आपको एक ही इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, एक पैमाना हर एक पे लगना चाहिए।